हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने 50 आपके जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को सभी लोगों को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सम्मान द गेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है? तो ग्रीस, एंथेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? तो मैग्नस कार्लसेन बना था, ठीक है। आगे चलते हम, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विकास संगठन में कौन से देश शामिल हुए? तो जो विकास संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो पहला है ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना, ठीक है। ये सभी देश शामिल हुए थे। 69वें शास्त्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अल्लू अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको? आलिया भट्ट और कीर्ति सेन को, ठीक है। आगे चलते हैं, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो जाक्सा, किससे, किसकी मदद से? जाक्सा की मदद से। जल दोस्त एयरपोर्ट कहाँ लॉन्च की गई? तो ये बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आरबीसी विश्व कप 2023 में किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता? ऑस्ट्रेलिया को। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना? स्पेन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई? बुदापेस्ट, हंगरी में। गोल्ड विजेता कौन थे? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी? जय वर्मा सिंह, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो थर्मल सन्मुगयात्ना को, ठीक है। 132वें द्वंद कप 2023 का विजेता कौन बना? मोहन बागान एसजी। उपविजेता ईस्ट बंगाल, आयोजन कोलकाता ने किया था। महिला कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन बना? तो उमा कोलकाता, आयोजन मुंबई, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन बने? हरियाणा बना था, उपविजेता राजस्थान थे, ठीक है। मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो सात्विक और चिराग को। अर्जुन अवार्ड 2023 किस क्रिकेटर को प्राप्त हुआ? मोहम्मद शमी को। किसको? मोहम्मद शमी को, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो स्काईयूट एओ स्पेस ने, ठीक है। फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 29 स्वर्ण पदक जीते। शुभंकर फेस फी पक्षी भारत का स्थान 5वां था, ठीक है। किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया? केएल। छत रास्ते पोषण माह कब घोषित किया गया? सितंबर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुई थी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नई दिल्ली महिला में, नई दिल्ली, ठीक है। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ था।
खेलो इंडिया पैरो गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ किया तो उज्ज्वला ने किया था। पहला स्थान हरियाणा को मिला, दूसरा उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और आयोजन किसने किया था? नई दिल्ली ने। मेरी माती मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था, ठीक है। और इसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन, वीरों का वदन वंदन, ठीक है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया? तो कोझिकोड और ग्वालियर को। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो क्रिस्टोफर लक्सन। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना कहाँ शुरू की गई? तुमकुर, कर्नाटक से। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकन का क्या है? तो मोगा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र 228 पदक के साथ लिया प्रथम स्थान। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कोइडोर कहाँ पर स्थापित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? अजरबैजान में किया गया था। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यशोभूमि दिल्ली में। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय एपी रेल का क्या नाम था? नमो भारत। भगवान बिस्पा गुंडा सड़क योजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ हुआ? अमेरिका में। 9वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। गारंटी बजट किससे के द्वारा पेश किया गया? कर्नाटक के द्वारा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे मिला? मध्य प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? जोजी गोस्पोदिनोव को, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। आयोजन कोच दी आईवा ने किया था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? लुइस विले ने। 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है आपका, बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? पॉल लिंच को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली महिला कौन थी? नीना सिंह। तो दोस्तों आज हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं जीके के। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।